भारत बनाम बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे T20 विश्व कप के बड़े मुकाबले में भारतीय उपकप्तान KL राहुल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को मुश्किल परिस्थितियों से उबारते हुए बेहतर शुरुआत दिला के दी। आपको बता दें कि पिछले कई समय से अपने बल्ले से रन बनाने में जूझ रहे KL राहुल ने आज मात्र 32 गेंदों में 50 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। राहुल ने अपनी इसी पारी के दौरान 4 छक्के और 3 चौके लगाए। KL राहुल आज जिस आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि उनके बल्ले से बड़ा स्कोर निकलेगा। KL राहुल ने आज जिस तकनीकी रूप से छक्के लगाए वो देखने लायक थे। चाहे उनका कट हो या फिर उनका सबसे पसंदीदा शॉट फ्लिक, आज KL राहुल हर बल्लेबाज को अपने बल्लेबाजी से आकर्षित कर रहे थे। आपको बता दें KL राहुल ने मात्र 31 गेंदे लेते हुए अपना अर्धशतक को अंजाम दिया। KL राहुल ने अपने पहले 2 रन मात्र 9 गेंदों में बनाए। उसके बाद रोहित शर्मा का जब विकेट गिरा तो KL राहुल ने अपनी आतिशीय पारी को अंजाम दे दिया। रोहित शर्मा जो आज मात्र 2 रन बनाकर आउट हुए, उनकी वजह से टीम मुश्किल में आ गई थी, लेकिन KL राहुल ने अपने पूर्व कप्तान विराट कोहली के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 67 रनों की साझेदारी की, जिसमें उन्होंने अर्धशतक बनाने के बाद अपना विकेट गंवा दिया। हालांकि KL राहुल खराब शॉट खेलकर जरूर आउट हुए और उनकी मौजूदगी टीम इंडिया को बड़े स्कोर तक पहुंचा सकती थी। बताते चले कि इस T20 विश्व कप ये उनका पहला अर्धशतक है और बड़े मुकाबले में KL राहुल का फॉर्म वापस लौट गया है। भारत के लिए KL राहुल का आज इस तरह से बल्लेबाजी करना सभी के लिए बेहतर है, क्योंकि अगर टीम इंडिया बड़े स्कोर तक पहुंची तो उसमें बड़ा योगदान KL राहुल का भी रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 1 इंडिया के साथ।